हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वास्तिक्स फैब लाइफ। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हमारी वीडियो रहेगी, बेसिकली हमने कुछ ना प्रोडक्ट्स अमेजोन से ऑर्डर किए हैं जो कि कार सेफ्टी गैजेट्स कह सकते हैं आप, या फिर एंटी थेफ्ट एसेसरीज बोल सकते हैं कार के लिए, जो कि अमेजोन से आप भी परचेज कर सकते हैं। और ओपनिंग के एकदम बाद ये हम आपको डेमो भी दिखाएंगे ये कैसे यूज़ करने हैं और यूजफुल हैं या नहीं। तो फटाफट से इनकी ओपनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट एसेसरी ये है, जो कि एक क्लच लॉक बोलते हैं हम इसको, क्लच या ब्रेक लॉक। बेसिकली ये किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाती है और इसको हम ना इसमें क्लच पैडल ऐसे सेट करके और इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद उसका बेनिफिट ये होता है, ना तो आपकी गाड़ी की क्लच प्रेस होगी, ना रिलीज होगी और ना ही ये हट पाएगा। तो उससे क्या होगा, ना आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी और चोरी से बचा सकते हैं आप। तो इसको अप्लाई करके भी दिखाएंगे कैसे इसका होता है। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी स्टील की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी चोर आपकी गाड़ी में घुस जाता है तो वो इतना टाइम नहीं देगा इसको, कुछ भी हटाने के लिए कोशिश नहीं करेगा और वो छोड़ के भाग जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा और आप अलर्ट हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम से कि आपकी गाड़ी पे किसी की नज़र है तो बचा सकते हैं। तो खैर, इसको साइड करते हैं फटाफट से और दूसरी चीज़ों को करते हैं। एक ये हमने एयर पंप मंगाया है तो सिंपल सा इलेक्ट्रिक, इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि उसकी उसमें कंप्लेन आती है कि बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हमने मंगाया ये इमरजेंसी में, अगर आप बाहर हैं तो आप कम से कम काम चला सकें, आपको ये पंप मिल जाता, एयर पंप मिल जाता है, इजीली आपको इसी को यूज़ कर सकते हैं और ख़राब होने का चांस ना के बराबर है, और होता भी है तो बड़ा चीप प्राइस में अवेलेबल है ये। तो नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। ये लोग आपने ज़्यादातर गाड़ियों में देखा होगा लगा हुआ, और इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, क्या ये सच में यूज़फुल है, वो भी हम अप्लाई करके देख लेंगे। ये बेसिकली होता क्या है, इसे टायर लॉक होता है, इसको हम टायर में अप्लाई कर देते हैं, जो हम अभी आपको डेमो भी दिखाएंगे भी टायर लॉक कर देता है और यूज़फुल है या नहीं आपको इंस्टॉल करते हुए बताएंगे। साथ ही हमने बस एक छोटा सा एक ये मंगाया था, ये कोई सेफ्टी गैजेट तो है नहीं, बट ये है आपको काफ़ी हेल्प करता है, ये बड़े चीप प्राइस में मेरे को मिल गया है अमेजोन से, माइक्रोफाइबर क्लीनिंग डस्टर, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को क्लीन कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी गाड़ी गंदी ज़्यादा हो जाती है तो आप हल्का हल्का इसको क्लीन करके चला सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डस्टी ना दिखे। और ये मेरे को कॉम्बो पैक मिला 399 के अप्रोक्स का, एक डस्टर इसमें ये बड़े वाला है जिसको, जिससे कि रूफ वगैरह क्लीन हो सकती है इजीली, और ये एक्सपेंडेबल भी है। क्वालिटी और इसका रिस्पांस यूज़ करने के बाद पता चलेगा, अभी जो है मेरे को अभी तक तो सही लग रहा है ये। और ये वॉशेबल भी निकल जाता है, निकल के वॉश कर सकते हैं आप इसको इजीली, दोनों ही वॉशेबल। टाइम ना वेस्ट करते हो, फटाफट से चलते हैं और इनको सभी को यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ होती हैं और क्या यूज़फुल है क्या नहीं। हम अपनी दोनों गाड़ी में ट्राई करके देखेंगे, ग्रैंड विटारा और वैगनार, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि ये किसी भी गाड़ी में कंपेटेबल है या नहीं, या किसी पर्टिकुलर गाड़ी के लिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्रैंड विटारा में इसको इंस्टॉल करके देखते हैं अब कैसे यूज़ होता है इसका। इधर आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से ऐसे लॉक करके और ये पिन इंसर्ट करके वापस से अंदर, और सिर्फ लॉक करना है इसको। जैसे ये लॉक हो जाएगी ये नहीं होगा, और ना क्लच प्रेस होगी, ना ये इधर उधर हिलेगी, और ना ही गाड़ी स्टार्ट होगी। और स्टार्ट इन केस किसी और पैटर्न से अगर स्टार्ट कर भी ली तो गाड़ी को कोई लेके नहीं जा पाएगा। तो अब करते हैं इसको, तो इसमें की आपको मिलती है, ये आप लगा करके इसको अनलॉक कर लेंगे
ये पॉप आउट हो जाएगा। सिंपली आप इसको कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे भी आपको सेट करना है, ये उसमें लॉक कर देगा। ये आप देख रहे हैं पूरे ब्लॉक्स में सेट कर देता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आइए। तो इसको सिंपली आपको करना क्या होता है, टायर पे इस तरीके से आपको, और ये सिलिकॉन का होता है, स्क्रैच आपके अलॉय वगैरह पे नहीं डालता है। ये मैक्सिमम हो पाया है तो इसको मैं यहीं पर इतने एंगल पर इसको पुश कर देता हूँ। अगर ये पुश नहीं हो पा रहा है जैसे कि, तो थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके ट्राई किया जा सकता है, जैसे कि अभी रोक है। अब इससे होगा क्या, टायर रोक है, अगर आप कोई ड्राइव गाड़ी ड्राइव करता है तो ये टायर मूव नहीं कर पाएगा। और सिंपली इसको ओपन करने के लिए आप ओपन करके सिंपली हम इसमें भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। आप आगे फ्रंट या रियर कोई भी टायर में अप्लाई कर सकते हैं इसको, और किसी भी गाड़ी में। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कौन सा गैजेट कैसे यूज़ करना है और कितना यूज़फुल है। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।